तजुर्बों ने शेरों को खामोश रहना सिखाया है, क्योंकि दहार कर शिकार नहीं किया जाता। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रभात कुमार प्रवीण, मोटिवेशनल स्पीकर, ऑथर एंड लाइफ कोच। आज का मोटिवेशनल स्टोरी का शीर्षक है शेर नहीं आया। शेर नहीं आया। दोस्तों एक बहुत ही पुरानी कहानी है, किसी गांव का रास्ता एक जंगल से होकर जाता था। गांव जंगल के बीच में था और गांव के लोग प्रत्येक दिन उस जंगल से आना जाना आम बात थी। एक दिन की बात है, उसी गांव का एक व्यक्ति उस जंगल से जा रहा था कि अचानक से एक शेर सामने में आ जाता है और उस व्यक्ति को बोलता है कि मैं अभी तुरंत आपको खा जाऊंगा। शेर की बात को सुनकर वह व्यक्ति घबरा जाता है, इधर उधर भागने का सोचने लगता है, लेकिन शेर के आगे से कौन भाग सकता है। दोस्तों व्यक्ति ने एक अपना मन में ही एक उपाय सोचा और शेर से बोला, शेर महाराज, इस जंगल में आप ही अकेले नहीं हो, इस जंगल में और दूसरा शेर है जो यहाँ का राजा है। यह बात सुनकर शेर दहाड़ने लगा, उसको गुस्सा आने लगा। शेर ने पूछा, मेरे अलावे इस जंगल में दूसरा कोई और राजा नहीं है, मैं इस जंगल का राजा, मैं अकेला हूँ, बताओ वह शेर कहाँ है। व्यक्ति बहुत चालाकी से बताया, शेर महाराज मेरे साथ चलो, मैं उस शेर की कहाँ पे रहता है उसका रास्ता बताता हूँ। और शेर धीरे धीरे पास के पास, जंगल के पास में एक कुआ था, उसके पास ले गया। दोस्तों उस व्यक्ति ने बहुत चालाकी से शेर को बताया कि दूसरा शेर इसी के अंदर है। जब शेर ने कुआं की तरफ देखा तो दूसरे शेर दिखाई पड़ा। दोस्तों रियल में वह कोई दूसरा शेर नहीं था, जो शेर ऊपर में था उसकी ही परछाई थी। अब शेर को जब दूसरा शेर दिखाई पड़ने लगा तो वह शेर ऊपर से दहाड़ने लगा, तो उसकी परछाई भी उधर पानी से दहाड़ने लगा। जब शेर अपना पंजा आगे जाती है अपने पिता का, फिर वह वही कहानी दोहराता है, शेर महाराज आप इस जंगल में आप अकेले राजा नहीं हो, यहाँ दूसरा भी राजा है। फिर वह शेर उसी तरह दहाड़ता है और बोलता है, बताओ कहाँ दूसरा शेर। फिर वो लड़का वही शेर कुएं के पास ले जाता है दोस्तों, और बोलता है लड़का, शेर इसी में है, इसी कुएं में शेर है। इस बार शेर कुएं के अंदर झांकता, झांकने के बाद इस बार शेर दहाड़ता नहीं है, अपना पंजा आगे नहीं बढ़ाता है और चुपचाप कुएं के किनारे कुएं में झांकता है, वह आराम से खड़ा। क्या रीजन था जो वह शेर कुछ अपना रिस्पांस नहीं दे रहा। दोस्तों कुछ क्षण में ही उस लड़के को शेर खा जाता है और इस बार कहानी उल्टा हो गया। पिछली कहानी में शेर मर जाता है और दूसरी कहानी में लड़का मर जाता है। दोस्तों ऐसा क्यों हुआ?
इसका एक छोटी सी रीजन है दोस्तों, 20 साल के बाद जिस कुएं में गया था वह कुआं सूख चुका था, उस कुएं में पानी नहीं था दोस्तों, नहीं पानी नहीं रहने के कारण उस शेर का परछाई नहीं आया, जिसके कारण शेर कोई रिस्पांस नहीं किया और उस लड़के को खा गया। दोस्तों इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो पुराने नियम कानून है वह हमेशा काम नहीं करता है, समय के साथ बदलते रहता है। यदि आप पुराने तरीके से पढ़ाई करते हैं, पुराने तरीके से आप एग्जाम देते हैं, आप पुराने तरीके से अपना जीवन जीना चाहते हैं, तो आप 100% सफलता नहीं प्राप्त करेंगे। आपको सफलता प्राप्त करने के लिए नए समय के अनुसार, नए नियम के अनुसार, नए कानून के अनुसार अपने जीवन जीने की आवश्यकता है। दोस्तों अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और यह कहानी अधिक लोगों में शेयर करें। हाँ, बेल आइकन दबाना न भूले, क्योंकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।